वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने ब्लॉग में एक कढ़ी की रेसिपी बताएंगे और आप लोग बताना कढ़ी कैसी बनी है। ये हम अभी पकौड़ी बना रहे हैं बेसन घोल के। ये हमने बेसन घोला हुआ है, ये हमने मठा में बेसन घोल रखा है जिसको हम छौंक देंगे बाद में। ये हमारी पकौड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हम कढ़ी के लिए छौंक तैयार करेंगे। इसमें मैंने मेथी, जीरा और हींग तीनों चीज़ डाली हैं। इसको हम डालेंगे अब इसमें तेल में। जब भुन जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं, जिसके घर में लहसुन प्याज नहीं खाते हों। इसमें हम साबुत लाल मिर्च डालेंगे और ये मैंने कटोरी में लाल मिर्च और हल्दी मिला रखा है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। ये मसाला थोड़ा भून जाए। अब इसके अंदर हम ये मठा का बेसन घुला हुआ ये डालेंगे। ये हमने अपनी कढ़ी छौंक दी है। ये हमारी कढ़ी छुक गई है और इसको हम क्या कहते हैं अब थोड़ी देर, अब इसको हम जब तक ये बॉयल नहीं हुई जब तक इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। हम इसमें अब नमक डाल लेंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लेना। अब इसको जब तक ये बॉयल नहीं होगी जब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। अगर हम कढ़ी को ऐसे नहीं चलाएंगे तो ये फिर फट जाती है। इसको नहीं चलाना बंद कर देंगे तो ये फिर फट जाती है बीच में, तो इसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। 5-10 मिनट के लिए ऐसे चला, इसमें उबाल आ जाएगा। ये बिगर लहसुन प्याज की कढ़ी बनाई है मैंने। ये कढ़ी में उबाल आने लगा है, अब इसको हम क्या करते छोड़ देंगे, अब नहीं चलाएंगे इसको हम। जब कढ़ी में उबाल आ जाए तो फिर इसको छोड़ देते हैं। अभी हम इसको क्या कहते हैं 15-20 मिनट तक बॉईल होने देंगे। ये जितना ज़्यादा बॉईल होगी उतने ही कढ़ी में स्वाद आता है। Gracias.